नमस्कार दोस्तों, लर्न माउथ ऑर्गन सीरीज के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कोशिश करेंगे सीखने की एक बहुत ही पॉपुलर नर्सरी राइम, मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब। मैं नर्सरी राइम्स आपको इसलिए बता रहा हूँ शुरू में कि माउथ ऑर्गन पे इन राइम्स को बजाना बहुत ही आसान होता है, और एक बार आप बजाना सीखेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट जनरेट होगा और आपको लगेगा कि और आगे सीखें। अदरवाइज अगर आप मुश्किल गानों से शुरू करेंगे, आप बजाना मुश्किल होगा तो फिर आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे चला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरी हैड अ लिटिल लैम, इसकी ट्यून कुछ इस तरह से है। मेरी हैड अ लिटिल लैम, लिटिल लैम, लिटिल लैम। मेरी हैड अ लिटिल लैम, Its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go। तो इस तरह के ट्यून है और आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वर्डिंग्स। मेरी हैड अ लिटिल लैम्प, गरे सारे ग ग ग, गर सारे ग ग ग, रे 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 ग प प, गर सारे ग ग ग, रे 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 ग प प। तो पहली लाइन शुरू करते हैं। ग यानी कि पहला जो 12 होल्स का हारमोनिका अगर मैं लेता हूं तो 5th होल सा है, मैंने बताया आपको। सा उसी होल में ड्रॉ करने से रे, और अगले होल में ब्लो करने से ग। तो ब्लो ड्रॉ सा रे ग म प। तो ये गाना आप देख रहे हैं कि अगर आप पूरी तरह से इसके यहाँ पे देख पा रहे हैं तो आप देखिए, सिर्फ इन्हीं 5 स्वरों में ये गाना है। ये राइम्स जो है सा रे ग और प, तो ये इसमें म का भी प्रयोग नहीं है। ये चार ही, इनफैक्ट 4 ही स्वरों से ये गाना पूरा बजा सकते हैं आप, और वही गाने की यही ट्यून रिपीट होती रहती है। तो गरे सारे ग ग ग इस तरह से। कितना आसान है इसको बजाना, आप देखिए। ग रे सारे मतलब आप 5th होल से सा होता है तो अगले होल से ब्लो करेंगे ग, उसके आगे वाले में ब्लो करेंगे तो प, और पहले होल में अब पहला हमको शुरू करना है ग रे, तो 6th होल जो है उसको ब्लो करेंगे ग मिलेगा, उससे पहले वाले 5th होल में हम ड्रॉ करेंगे रे मिलेगा, और उसी 5th होल में ब्लो करेंगे सा मिलेगा। तो इस तरह से आप, और प के लिए 7th होल में जाइए और उसको ब्लो कीजिए तो प मिलेगा। बस ये 4 स्वर आपको यूज करने हैं, इन्हीं 4 स्वरों में गाना है। अगला जो लाइन है फिर से वही है, गर सारे ग ग ग, वो तो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। इसके बाद इट्स फ्लीस वॉज व्हाइट एज स्नो, रे 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 गरे सा, ये वाली लाइन। तो रे 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 ग रे सा, रे रे के लिए मैंने बताया 5th होल को ही आपको ड्रॉ करना है रे के लिए, और अगले को ब्लो करना है ग के लिए। तो इस तरह से कीजिए आप। अब गाना पूरा देखिए। मेरी वेंट, मेरी वेंट, गरे सारे ग ग ग, रे 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 ग प प। ये पहली लाइन की तरह रिपीट हो रहा है, और उसके बाद एंड एवरीवेयर दैट मेरी वेंट, ग रे सारे ग ग ग, इस तरह से।
went, the lamb was sure to go. Re, 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 ga, re, sa. Ye phir its fleece was white as snow. Uski jo notes hain, or the lamb was sure to go. Re, 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 ga, re, sa. Ye bilkul same hai phir se. To is tarah se gana bahut hi चार ही स्वरों से ये गाना बजता है और बहुत आसानी से, और सभी इस गाने को जानते हैं तो आपको बजाने से काफी अच्छा लगेगा और आप आगे सीखने की आपकी कोशिश जारी रहेगी। तो एक बार पूरा गाना आप इस तरह से कुछ बजाइए। कोशिश कीजिए बहुत आसानी से, किसी भी डायटोनिक या क्रोमेटिक हारमोनिका पे बिना स्केल चेंजर की मदद से सीख सकते हैं। कोशिश कीजिए, अगर कुछ भी आपको डाउट्स होते हैं तो चैनल पे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपको उत्तर देने की। और अच्छा लग रहा है आपको तो और लोगों से शेयर करिए, लाइक कीजिए, आगे और वीडियोज देखिए और सीखिए। हैप्पी माउथ आर्ट लर्निंग। थैंक यू।